कुछ और स्टूडेंट के क्वेश्चन ले लेते हैं। स्नेहा हमारे साथ मौजूद है। जी स्नेहा, सवाल पूछिए अपना। स्नेहा आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रहा है, अगर आप एक बार फिर अपना सवाल रिपीट करिए जरा। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट हमारे साथ हैं। अनुपम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैम जैसे गवर्नमेंट अगर कोरोना के लिए एग्जाम कराने के लिए अगर रेडी होती है तो क्या सेंटर्स के सभी चीज जो वेबसाइट पे डाली रहती है कि ये सुविधाएं जो रहेंगी क्या वो सुविधाएं रहती हैं क्या? ठीक है, तुषार हमारे साथ हैं। तुषार सवाल आपका। मैम मेरा सवाल ये है कि जैसे मुझे सुनने में आ रहा है कि ये जो मार्क्स हैं इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे लगा दिए जाएंगे, तो मैम इसमें मैम ये तो गलत है। जो बच्चे पढ़े हैं मैम, जो जिन्होंने मेहनत करी है, जगदीप कौर हमारे साथ हैं। जी जगदीप, जी जगदीप अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। मैं देख पा रही हूँ आपको स्क्रीन पर। हाँ यस मैम, यस मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं बहुत बहुत कंफ्यूज हैं, तो हम ये मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अगर हो तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत वीक हो चुका है, तो प्लीज हमें एक बार जो डिसीजन है प्लीज एक बार ले लें, तो हम जो है आगे स्टेप ले सकते हैं। आप जो परेशानी जगदीप महसूस कर रही हैं वो लाखों स्टूडेंट्स की इस वक्त समस्या है, लेकिन आज का बड़ा डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर आज शाम एक अहम बैठक कर रहे हैं जिसमें यकीनन कोई महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। आशुतोष भी मौजूद है हमारे साथ। आशुतोष पूछे सवाल। आशुतोष अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज पूछिए सवाल अपना। ठीक है, ये सवाल मैं आपके पास अब लेकर आना चाहूंगी अशोक पांडे जी। देखिए जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभी जेएस राजपूत जी भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि राज्यवार स्थितियां अलग अलग हो सकती है, और इसीलिए जो हम वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रक्रिया हो पूरे देश के लिए, वो देश के अलग अलग हिस्सों के हिसाब से अलग हो सकती है। और जब हम ये देखते हैं कि 25 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जो परीक्षाओं को कराने के हक में हैं, तो ऐसा लगता है कि परीक्षाओं की दिशा में बढ़ना ही जो है वो इस कदम के रूप में हम आने वाले दिन की तस्वीर देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दो तीन बातें मैं यहाँ रखना चाहूंगा। प्रोफेसर राजपूत की बातें बिल्कुल सही है, अक्षरशः वो पालनीय है। और देखिए ये तो शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों के बीच का हिस्सा है, केवल केंद्र का विषय नहीं है ये, केवल राज्यों का भी विषय नहीं है। और मैंने जो पहली बात कही उसको अब आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ कि जो राज्य ये कह रहे हैं कि वो केंद्रों पर बुला के परीक्षा लेंगे, उनको बहुत उसको गहराई से सोचना पड़ेगा। परिस्थितियां ऐसी बिल्कुल नहीं है, ये मेरा उनके प्रति सुझाव है। मुझे लग रहा है कि आपके इस शो में जितने बच्चे हैं उसमें ज्यादातर बच्चे सीबीएसई के हैं, और उनकी सारी जो बातें आ रही हैं वो सीबीएसई की तरफ से आ रही हैं। तो मैं ये दो तीन बातें ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए सेंटर बेस्ड एग्जाम नहीं होता है तो उनका परीक्षा परिणाम या असेसमेंट और रिजल्ट जो होगा वो स्कूल बेस्ड होगा। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने स्कूलों के ऊपर सब कुछ तो किया लेकिन बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, अध्यापकों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। प्रोफेसर राजपूत ने कहा कि वही बेस्ट है, फिर भी हम उसके लिए तैयार नहीं है या मेरी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस तरफ जा रहे हैं। और ये वर्ष तो ये उसका आगाज होगा। नई शिक्षा प्रणाली भी इसकी बात कह रही है कि हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। बच्चों ने जो सवाल पूछा मैं बता दूं, वो कह रहे हैं इंटरनल असेसमेंट के ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा। कोई एक पैरामीटर आपके रिजल्ट को 100% नहीं बताएगा, उसका एक उसमें कंपोनेंट हो सकता है, 10% 15% आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं हुई हैं, आपने प्रोजेक्ट दिया है, कोई ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड व्यवस्था बनाई जा सकती है हर विषय में, आपका वाइवा हो सकता है अध्यापक और आपके बीच में कोई संवाद हो सकता है। तो अभी विकल्पों को आने दीजिए। आपने बहुत अच्छी ये खबर बताई है, प्रधानमंत्री खुद अगर इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं तो वो निर्णय आज शाम तक आ ही जाएगा। लेकिन दो बातें मुझे कहने दीजिए। पहली बात तो ये कि इन बच्चों को
ये वैसे डॉक्टर बोहरा के विषय क्षेत्र का है, लेकिन मैं थोड़ी दखलंदाजी कर रहा हूँ कि इस समय को अपनी पॉजिटिविटी में लगाइए, जीवन में वो वैल्यूज ले आइए जो परीक्षा परिणाम के अलावा आपको सफल बनाने में मददगार होंगे। और जहां तक प्रशासन का सवाल है, आज हम इन बच्चों के लिए जो निर्णय लेंगे एम्पैथी और कॉम्पैशन के साथ, 20 वर्ष 30 वर्ष के बाद जब ये बच्चे अपने जीवन क्षेत्र में जाएंगे और मुड़ के देखेंगे तो ये निर्णय लेंगे कि समाज ने, व्यवस्था ने हमारे साथ क्या किया था। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा, ये अपने आप में हमें निर्णय लेना, ये अपने आप में एक अनुभव होगा। मुझे लगता है बहुत सारे लेसन ये अलग अलग स्तर पर लेकर आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए भी ये अपने आप में एक अनुभव होगा जो इस समय से